there is a time to bid goodbye to the old and the ordinary and to awaken the beauty within that time is now it is time to wake up and take charge of life awaken to a new way of thinking awakening with brahma kumaris वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मकुमारीज वेलकम सिस्टर ओम शांति ओम शांति सिस्टर कुछ क्वेश्चंस आए हैं ईमेल पर आपको सुनाता हूँ। ये कहते हैं कि वन थिंग इज नॉट क्लियर टू मी दैट व्हेन समवन एक्सपाइर्स टाइमली और अनटाइमली हु इज नॉट गुड गुड टू मैनकाइंड और ऑलवेज डिड इविल डीड्स तो कहते हैं कि जो इंसान बॉडी छोड़ देता है या मर जाता है समय पर या लोग कहते हैं है। काम बुरे किए हो, हो, बहुत सारे वर्क किया हो, तो लोग कहते हैं कि भगवान ने उसे पनिशमेंट दे दिया लेकिन वो कहते हैं कि वो तो मर जाता है उसकी आत्मा को वो तो मर गया और उसको कुछ पता नहीं है पीछे क्या होता है लेकिन रियली जो सफर कर रहा है जो दुखी हो रहे हैं उसकी वो फैमिली है उसका परिवार है जिनको मानसिक तकलीफ होती है फाइनेंशियली पैसों की तकलीफ होती है और सारी ज़िंदगी मतलब उनको दुख उठाने पड़ते हैं आगे लिखते हैं कि दूसरा पॉइंट इफ़ एनी गुड पर्सन एक्सपायर जब कोई आदमी अच्छे काम करता हो अच्छी सेवा करता हो और वो अगर अपना देह छोड़ दे और शांत हो जाए उसकी बॉडी तो वो कहते हैं लोग कहते हैं उसने भगवान ने उसे बुला लिया बुरे को कहते हैं भगवान ने उसे पाप दिया अच्छा जब जाता है तो भगवान ने उसे बुला लिया लेकिन फिर यहाँ पर भी दुख तकलीफ़ सर्वाइवर को ही होती है पीछे बीवी को बच्चों को फैमिली को तो ये पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन ये है हु इज़ सफरिंग मोर बिकॉज ऑफ हिज कर्मस और हर अगर वो अच्छा वाला मरे या बुरा वाला आदमी मरे कर्म तो उनके थे अच्छे बुरे लेकिन सफर वो कर रहे वो तो चले गए और उनको तो पता ही नहीं पीछे यहाँ क्या हो रहा है तो हम दुख दुख जो जिंदगी में जी रहे हैं वो उठा रहे हैं कि वो कर्म कर किया, किया किसी और ने ऐसा ही लग रहा है ना हाँ. कि कर्म किसी और का सफरिंग किसी और की इसीलिए जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि वो सफर कर रहे हैं या पीछे जो परिवार छूट गया वो सफर कर रहे हैं लेकिन उससे भी पहले इसमें दो पॉइंट्स के क्लरिफिकेशन एक कि जिसने गलत कर्म किए तो हमने कहा भगवान ने उसको सजा दी और जो अच्छे विशेषताओं वाली आत्मा है उसके लिए हमने कहा भगवान ने उसको बुला, बुला लिया फिर दूसरा हुआ कि जो चला गया उसको तो कोई सफरिंग नहीं है ये भी एक थॉट है कि उसको कोई सफरिंग नहीं है सफरिंग किसकी हो रही है जो, जो पीछे रह गए हैं फिर तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये फिर किसका कर्मा ज़्यादा नेगेटिव था जो चला गया या जो पीछे रह गए तो तीन पॉइंट्स इम्पोर्टेंट उठते हैं इसमें पहले जो फर्स्ट बात उन्होंने लिखी कि जो गलत कर्म किए उसको भगवान ने सजा दी जिसने अच्छे कर्म किए उसको भगवान ने बुला लिया एक आत्मा कब शरीर लेती है कौन सा शरीर लेती है किस परिवार में आती है फिर आत्मा कितने समय उस शरीर को यूज करती है और आत्मा किस तरह से और कब उस शरीर को छोड़ती छोड़ है या त्याग करती है ये परमात्मा नहीं डिसाइड करते हैं अगर ये बहुत सोचने की बात है अगर परमात्मा डिसाइड करे तो अनटाइमली डेथ क्यों फिर हर चीज़ सही है तो टाइमली होनी चाहिए yes. पर। अगर परमात्मा डिसाइड करे तो हमें कैसा शरीर मिलेगा हर एक को See, अगर परमात्मा ये सब हमारे लिए डिसाइड कर रहे हो तो हर चीज कैसे होगी फिर एक्यूरेट आप अगर अपने बच्चे के लिए डिसाइड करो तो ये भी ही है ना जो कर रहा येगा वो भरेगा ना वो अलग हो गया ना फिर तो वही बात परमात्मा भी वही देगा ना जो एक्यूरेट है अब आपने कहा कि परमात्मा अगर दे रहा है तो एक्यूरेट देगा, देगा. तो बुरा किया तो बुरा मिला ऐसा तो शरीर भी बुरा देगा ही देगा अच्छा, अगर बुरा दो चीज दो चीज होगी एक है आपका बच्चा एक आप पिता एक है बच्चे ने कुछ किया उसका उसको फल मिलेगा और एक है बच्चे ने कुछ किया उसका फल आप डिसाइड करेंगे बच्चे के लिए बच्चे ने गलती की सपोज नेगेटिव कर्म हम कहेंगे उसका उसको फल मिलेगा ये तो ठीक हो गया गलती की फल मिला लेकिन सपोज इक्वेशन ये होती कि गलती की और फिर फल आप डिसाइड करेंगे कि उसको क्या मिलेगा तो फल डिसाइड करते टाइम आप थोड़ा सा क्या कर देंगे नहीं गुस्से में माँ बाप फल बहुत ज्यादा बुरा पी देते अगर हैं, देखो, अगर, नहीं? अगर बच्चे अभी देखो आजकल सारा दिन में हमें कितना कुछ आस पास दिखने को मिल ठीक रहा है अगर एक्सट्रीम हो तो सजा अगर उसकी फांसी है तो माँ बाप होते तो बोलते नहीं देनी चाहिए नहीं अगर किसी के घर हम देखते हैं कोई बच्चा पैदा होते ही बीमार है ये भी आज भाग्य है ये भाग्य है ना कि कोई पैदा होते सपोज बीमार है कोई ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ खाने को इतना भी नहीं है कूड़ेदान से जाके बच्चा खाना ढूंढ रहा है अगर हम कह रहे हैं ये सारी चीज़ें किसने डिसाइड की परमात्मा डिसाइड करेगा क्या ऐसा भाग्य आप अपने बच्चे के लिए लिख सकते हैं परमात्मा है कोई? नहीं करेगा तो परमात्मा की लॉज तो करेंगे अब आप बोलेंगे नहीं आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि कोर्ट है इस देश में तो प्राइम uh, मिनिस्टर नहीं डिसाइड कर रहा है लेकिन प्राइम तो मिनिस्टर के लॉज कर रहे लॉ किसने बनाया ये तो ग्रेविटी का लॉ है किसने बनाया यूनिवर्सल लॉ है ये यूनिवर्सल लॉ है आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो शरीर बीमार होगा ये परमात्मा ने लॉ बनाया ये लॉ ये है, है।, नहीं ये लॉ है ये नेचर है लॉ का नेचर मतलब एक खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा हाँ तो ये लॉ किसने बनाया कि जहां आपने ठीक कर्म नहीं किया उसका रिटर्न आपको मिलेगा ये लॉ किसने बनाया लॉ तो है ये लॉ क्या ये शरीर का भी हम ध्यान शरीर का नेचर ऐसा हाँ। कि आप उसको भूखा रखोगे तो मर जाएगा ठीक है प्रकृति को आप एक्सप्लॉइट करेंगे प्रकृति भी जो फटेगी तो वो परमात्मा ने लॉ नहीं बनाया वो ये लॉ है कि अगर आप किसी चीज़ को ऐसा करेंगे तो रिटर्न में वो चीज़ ऑटोमेटिकली ऐसे ही होगी संसार का नियम नेचुरल है ये नियम है ये सोफा है इसका मैं ध्यान नहीं रखू तो ये खराब हो गए सिमिलरली किसी आत्मा को मैं दर्द दू मैं कोई ऐसा कर्म करूँ जिससे उसको मैं धोखा दू चीट करूं नुकसान दू दर्द तो इतना तो ये लॉ कि जब वो आत्मा फिर मेरे संपर्क में आएगी तो ऑटोमैटिकली क्योंकि एक मीटिंग एक अकाउंट ये क्रिएट हो गया ये परमात्मा नहीं डिसाइड कर रहा है इट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी टेंड टू देन पुट द ब्लेम ऑन हिम फॉर एवरीथिंग परमात्मा ने पनिशमेंट दी अगर आज मैंने शरीर का ध्यान नहीं रखा और वो शरीर आज बीमार हो गया तो हम कहेंगे परमात्मा ने पनिशमेंट दी और फिर वो इतना बीमार हो गया कि मुझे शरीर छोड़ना पड़ा तो परमात्मा ने पनिशमेंट दी भले मैंने ही दी ठीक है मैंने दी मैंने क्रिएट किया लेकिन जो शरीर बनाने वाला धरती बनाने वाला क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स ने ये लॉज बना के किए ना कि पत्थर ऊपर फेंके के तो ये आएगा ये शरीर आपको शरीर आपको मिला अब इस शरीर में विद दिस विद दिस विल लॉ मिला ना कि अगर आप इसके साथ ये करोगे तो नुकसान ये, ये शरीर को आप जो खिलाओगे पिलाओगे, जैसे एक्सरसाइज कराओगे जैसे सस्टेन करोगे वो ये शरीर उस वो हमारी फ्रीडम वो आपकी विल है राइट अगर उसमें हम कुछ मिक्स चैरिटी कर देंगे और उसको ठीक से नहीं ध्यान रखेंगे तो जब अगर वो बीमार होगा तो परमात्मा ने किया गलती तो मेरी है परमात्मा डिसाइड किया डिसाइड नहीं है पहले से जो बॉडी ली साथ में हाँ। उसके साथ ये लॉ है लॉ है मतलब जिस चीज को आप जैसा जिस अग्नि के तरह में जलाना पानी का ये है तो ये धर्मी का ये धर्म है तो धर्म मीन्स ये लॉ है तो ये लॉ को हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा याद अगर आज मैं शरीर का ध्यान नहीं रखू फाइनली गलती मेरी है अगर मैं नहीं फाइनली नहीं ट्रुथ ही वो है कंप्लीटली इसमें हम परमात्मा को कैसे ब्लेम करें आज मैंने ध्यान नहीं रखा बीमार हुआ हम कहेंगे परमात्मा ने मुझे बीमार किया कांट से देन आई एम नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई कर्म आई एम पुटिंग द ब्लेम ऑन हिम एंड फिर हमने कहा भगवान ने सजा दी भगवान सजा नहीं दे सकता है भगवान प्यार का सागर है वो सजा कैसे देगा हमने कहा उसने सजा दी एक अगर मैंने नेगेटिव किया उसने सजा दी दूसरा अगर वो अच्छा है तो भगवान ने बुला लिया अपने पास बुला लिया चलो नेगेटिव को सजा दी फिर भी एक सेकेंड हम सोचे लेकिन जो अच्छा है अगर वो पुण्य कर्म कर रहा है

ये दोनों पॉइंट तो क्लियर है ये क्लियर हो गया हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना जो जिसने गलत कर्म किया ना उसको सजा दी ना जिसने जो अच्छा कर्म किया उसको परमात्मा ने अपने पास बुला लिया कैसे हुआ होगा कहीं किसी ने बोल नहीं सकते ना, सिस्टर, इसको अगर वो मर गया है हाँ। तो सजा क्या हुई मरने तो पर? सजा तो है ही नहीं अगर जीते जी उसको कोई तकलीफ होती तो सफरिंग सकते सफरिंग है तो आदमी मर गया उसको सजा क्या इसीलिए तो उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा ना कि उसको सफरिंग हो ही कहा रही है उसको तो अगले जन्म में होगी सफरिंग किसको हो रही है लेकिन अभी जो पीछे रह गए जो, जो पीछे रह गए इसीलिए तो मन में वो क्वेश्चन उठ रहा है ना कि गलत कर्म किया उसने सफरिंग इनको मिल रही है जो पीछे रह गए क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ना हमें कि कौन सफरिंग दे तो फिर क्या हुआ परमात्मा के लॉस पर ही क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा क्योंकि तो फेयर नहीं है ना गलत मैं करूं सफर कोई पीछे और कर रहा है तो एक ये लॉ या ये पनिशमेंट परमात्मा नहीं दे रहे और डेफिनेटली अपने पास नहीं बुला रहे डेफिनेटली नहीं वी हैव टू बी वेरी क्लियर ये तो अगर किसी के घर में कोई शरीर छोड़े कोई बहुत उदास है बहुत परेशान है तो आसपास किसी ने एक बार उनको क्या बोला होगा कभी अच्छे थे ना वो कितने अच्छे थे तो भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया एक ने बोला 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 आज वो धीरे धीरे हमारा क्या बन गया बिलीफ सिस्टम बन गया सब एक तो बच्चों के दिमाग में अगर जब ये डालते हैं और जब मैं छोटा था आप अच्छे बनो ही नहीं, नहीं तो भगवान ले जाएगा ये बच्चे में आएगी, तो कितना बुरा हो जाएगा पे? अगर आप बुरे बनेंगे तो भगवान आपको सजा दे के बुला लेगा और अगर आप अच्छे बनेंगे तो आपको भगवान वैसे ही बुला लेगा तो फिर क्या तो दोनों बेसिकली उसमें हो क्या रहा है सिर्फ ये बिलीफ सिस्टम कि जो भी आप करेंगे और जो आपके साथ होगा ही इसीलिए क्लैरिटी नहीं आ रही जब हमें लॉ ऑफ ऐसा करना। भी तो हो सकता है ना किसी ने शुरुआत में बोला होगा पेरेंट ने या बड़ों ने या टीचर ने समझाने के लिए कि बुरे काम करोगे तो भगवान सजा देगा हेल में लेके जाएगा आपको क्या बोलते हैं हेल को नर्क नर्क में ले जाएगा और यहाँ स्वर्ग में बुला ले अपने पास क्योंकि भगवान स्वर्ग में रहते हैं तो अच्छे काम करोगे तो वहाँ ले जाएगा तो बात बदलते 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 कुछ बदलते बदलते चेंज हो गई ना लेकिन जब चेंज होती जाती होती जाती तो फिर क्लैरिटी खत्म हो जाएगी जब क्लैरिटी खत्म हो गई तो फिर जीवन जीने में मुश्किल आएगी क्योंकि हमें आंसर्स नहीं मिलेंगे क्वेश्चन के हमें इस तरह के आंसर्स मिलेंगे फिर तो फिर कन्फ्यूजन्स होंगे फिर राइट right तरीके से चल नहीं पाएंगे अब जब हमें समझ में आता है कि परमात्मा ना सज़ा देगा ना हमें अच्छे को अपने पास बुलाएगा ये सब कुछ जो डिसाइड होगा बर्थ एंड डेथ आना भी कहाँ आना किस शरीर को लेना छोड़ना कब छोड़ना कैसे छोड़ना ये मैं आत्मा अपने ही कर्मों से डिसाइड करती हूँ अपने ही कर्मों से डिसाइड करती हूँ किसके पास आना शरीर छोड़ना नहीं छोड़ना कैसे छोड़ना कैसे से डिसाइड हुआ शरीर कब तो हम थोड़ी वो, पास करम, में तो है? वो फिर पास्ट पे किसने बनाया देखो, एक आत्मा इस घर में आई एक परिवार में आए फिर वो आत्मा उस परिवार का हिस्सा बन गई अब वो आत्मा टेन इयर्स की एज में शरीर छोड़े ट्वेंटी की एज में शरीर छोड़े फिफ्टी की एज में छोड़े हंड्रेड की एज में छोड़े इट ऑल डिपेंड्स ऑन उस आत्मा का yes. उन सब आत्माओं के साथ कितना और किस ना और किस तरह का कार्मिक अकाउंट है कोई आत्मा कभी कभी ऐसा भी होता है कि शरीर ले फिर सपोज कोई तबीयत खराब हो जाए ठीक है काफी समय काफी सालों तक सालों तक तबीयत खराब रहे कभी कोई होता है कि कोमा में चले जाए और कई सालों तक उनकी सेवा ली कई सालों तक कोमा में रहे शरीर नहीं छोड़ती आत्मा जी भी नहीं रही लेकिन शरीर नहीं छोड़ती है ये क्यों आत्मा शरीर नहीं छोड़ रहे है क्यों अभी तक उतने तो उस सारी? परिवार में जो रह रहे हैं उनको उसकी जो तकलीफ हो रही है तो होनी थी हाँ क्यों ये किसने डिसाइड किया उन परिवार वालों ने कैसे डिसाइड किया पास्ट कार्मिक अकाउंट उस से? आत्मा के साथ पास्ट कार्मिक अकाउंट लेके दिस इज वेरी इंपोर्टेंट मैंने अगर आपको इस समय इस कॉस्ट्यूम में कुछ दर्द दिया मैंने कोई ऐसा कर्म किया जो आपको बहुत दर्द कोमा में भी तो दर्द ले ही तो सफरिंग नहीं है जितनी बाकी सब की है, That is why she very हो है।, हो है जो, जो पति है अगर वाइफ बीमार है वो एक रख दिया और मस्त तो कार्मिक अकाउंट इसीलिए तो बहुत इंपोर्टेंट है ना कार्मिक अकाउंट कैसे बनते हैं और किसके कर्मों से डिसाइड हो रहा है जो उसने का उनको सफरिंग नहीं पीछे है ऐसा नहीं है इट विल बी इटव अलग अलग होगा हर केस में अलग अलग होगा कोमा में उसको तकलीफ है और दूसरा दूसरी शादी करके है और बोले इसको डाल दो हॉस्पिटल में बिल्कुल यहाँ एक जगह वो दुखी, हो, दुखी हो, हो दुख में पहले मर जाए वो स्टिल कोमा में है और बाद में ये ठीक हो जाए कोई ऐसा भी हो जो कोमा में है लेकिन वो अंदर बिल्कुल शांत है वो आत्मा कोमा में है लेकिन उसको भोगना नहीं हो रही अंदर कोई अपनी सोच के हिसाब से ये तो सिर्फ किसको समझ में आएगा हमें भोगना कितनी होती है ये सिर्फ किसको पता है मुझ आत्मा को मालूम है देखो हमें कई पेशेंट्स ऐसे मिलेंगे जिनको कैंसर है लेकिन उनको भोगना नहीं होती उतनी बीमारी बहुत बड़ी है किसी को तो बहुत एडवांस स्टेज में है बट दे वेरी स्ट्रांग स्माइलिंग और सिर्फ ऊपर से स्माइलिंग नहीं अंदर से उनको भोगना नहीं है बीमारी है और कोई होंगे जिनको थोड़ा सा बुखार है बीमारी ज्यादा नहीं है भोगना बहुत है भोगना मीन्स जितना पेन मैं एक्सपीरियंस करूं, कोई होगा जो बहुत सारी कंपनीज चला रहे हैं बहुत काम कर रहे हैं लेकिन टेंशन नहीं है तो भोगना नहीं है कोई होंगे जो रिटायर्ड है घर पे खाली बैठे हैं लेकिन डिप्रेशन है भोगना बहुत है बाहर की चीजों पर नहीं डिपेंड कर रहा अंदर आत्मा को कितनी सफरिंग होती है कितनी सफरिंग होती है ये आत्मा के अपने कर्मों पे डिपेंडेंट है इसमें परमात्मा डिसीशन मेकर फैक्टर नहीं है अब जो इन्होंने कहा आत्मा चली गई लेकिन पीछे जो रह गए अब जो पीछे भी रह जाते हैं उनको भोगना कितनी होती है ये भी उनके कर्मों पे डिपेंडेंट है और उनका उस कार्मिक अकाउंट उस आत्मा के साथ डिपेंडेंट है इसमें हमें परमात्मा को ब्लेम नहीं करना है हम जब अब कर्म कर रहे हैं ये इसलिए कर्मा फिलोसफी एक बार फिक्स पकड़ लिया आज बिजनेस के नाम पे हम कई बार कुछ बहुत सारी ऐसी अनएथिकल चीज़ें कर देते हैं प्रॉफिट जल्दी ज़्यादा कमाना किसी को एक्सप्लोइट करना किसी का अनड्यू एडवांटेज लेना ये छोटी छोटी चीज़ें भी जो हमें लगेगा बहुत छोटी है बहुत नॉर्मल है लेकिन अगर मेरे कर्म ने किसी को दर्द दिया तो मुझे अटेंशन रखना होगा हाँ अगर मैंने अपने अनुसार बिल्कुल सही किया लेकिन फिर भी वो दूसरी आत्मा किसी कारण दर्द क्रिएट कर रही है वो उनका संस्कार लेकिन मेरे कर्म ने अगर दर्द दिया ये मुझे बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं अब उस आत्मा के साथ क्रिया क्रिएट कर रहा हूँ बिजनेस में हमें इसलिए आज बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ धन कमाने के लिए हमने अगर अनेक आत्माओं को दर्द दे दिया तो हमारे पास धन बहुत आ जाएगा लेकिन धन के साथ क्या आ जाएगा यही धन कितना दुख क्रिएट करेगा ये धन दुख नहीं क्रिएट करेगा धन के जैसा धन होगा वैसा अन आएगा हाँ। और वैसा अन आएगा तो हम तो वैसा, वैसा मन मन बनेगा वैसा मन बनेगा तो फिर हम वैसा हरकत करेंगे फिर फिर वैसी हरकत करेंगे दुख दुख आएगा दुख आएगा ज्यादा ऐसा फालतू धन आएगा तो हम गलत गलत काम भी करेंगे वो तो सेकेंडरी लेकिन धन कमाते समय कौन सा कर्म कर दिया तब कितने कार्मिक अकाउंट बनाए कितने लोगों को तकलीफ दी कितने कितने सोल्स को आपने दुखी किया तो फिर ऐसा आप पैसा आपके घर आया कमाया क्या बैड कर्म के अकाउंट से बैड कर्मस कमाई ना क्या-क्या कमाकर -क्या रोज घर लेकर आ रहे हैं उस पैसे के साथ-साथ कितनी एनर्जी आ रही है ना एनर्जी आ रही है कर्म आ रहे हैं बैड कर्म आ रहे हैं हम एनर्जी कंज्यूम करके ला रहे हैं घर पे वी हैव टू रियली रियली सारा दिन बहुत अटेंशन रखना चाहिए जितने लोग पैसे खाते हैं इसको मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं किसी वीडियो का इंश्योरेंस भी पास नहीं हो रहा है और बेचारे गरीब गरीब औरतें बोलते तो एजेंट बोलता है मैं दो, दो लाख का इंश्योरेंस है ना एक मिलेगा एक ले ले और साइन कर दे इधर तो उस औरत की जो तकलीफ और उस टाइम पे उठाना और मतलब ऐसे लोगों को ये क्यों नहीं समझते कि ऐसे पैसे से दुख होगा या कोई डॉक्टर बोलता है कि ऑपरेशन नहीं करना है तो बोलते करना पड़ेगा तो या तो कोई पेशेंट आपके सामने आया आप उसके साथ सहयोग ना करके उसको और तकलीफ दे रहे हैं वहाँ पे नो एक हॉस्पिटल के प्रोसीजर में भी तो कई बार कितनी तकलीफ हो जाती है किसी को वो दर्द में आया है ये छोटी छोटी चीजें हैं पहले पैसे जमा कराओ पहले ये कराओ आप ना, आपको अपना प्रोसीजर करना पड़ता है वो एक अलग चीज है लेकिन ध्यान रखना कि हमारा कोई कर्म अगर किसी को दर्द देता है तो हम फिर अपने आप को उस दर्द से नहीं नहीं है तो भी ऑपरेशन कर दो अपने के बारे में सोच तो बट यही जो पैसा पैसा करते इस टाइप का पैसा जैसे गरीब को तब तकलीफ दी इसको दी देश को चीट किया सबको चीट वो पैसा लेके करता क्या बंदा पैसा तो आ गया ना लेकिन धन कमाया आपने सोचा धन आएगा तो सुख आएगा हमारे घर धन आएगा तो खुशी होगी ये हो कोई स्कूल में नहीं सिखाते कॉलेज में या बचपन में कि किस टाइप का पैसा सुख देता है पैसा सुख नहीं देता है किस टाइप का पैसा भी नहीं पैसा सुख नहीं देता है पैसा साधन देता है और वो साधन आप कमाएंगे इवन अगर आप गलत तरह से पैसा कमा रहे हैं क्योंकि पैसे का काम आपको साधन देना है और वो हमेशा देगा आप कैसे भी कमा लो ना आप मेहनत से पैसे कमा के भी गाड़ी खरीद लो हुँ. आप किसी को दुख दे के भी गाड़ी खरीद लो गाड़ी तो आ गई ना लेकिन अंतर क्या है अंतर यह है कि पैसे कमाने के साथ साथ आपने एनर्जी कौन सी कमाई है पैसा नहीं चेंज हो जाएगा लेकिन उस धन के साथ वाइब्रेशन कौन सी कमाई जिसे हम कहते हैं किसी की दुआएं कट्ठे करना और व्हाट अबाउट किसी की दुआओं का ऑपोजिट इकट्ठा करना तो अगर मेरे किसी भी कर्म ने किसी को तकलीफ दी तो जैसे आपने कहा वो विडो वो पेशेंट जिसको हम एक्सप्लोयट करें या ऐसे तकलीफ दें वो उसके बाद कैसी थॉट्स क्रिएट करेंगे देंगे हाँ तो बददुआ देना मतलब क्या देना इतनी नेगेटिव एनर्जी उस आत्मा को देना ये नेगेटिव एनर्जी जो वो आत्मा इकट्ठी कर लेगी हाँ। ये हम इकट्ठी कर लेते हैं हम या तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी इकट्ठी कर सकते हैं या हम उसकी ऑपोजिट इकट्ठी कर सकते हैं अपने कर्मों से ये मेरी बन जाएगी एक बैंक इसको हम कहते हैं बैंक ऑफ ब्लेसिंग्स या बैंक ऑफ ऑपोजिट या तो आप गुड विशेस कमा सकते हैं अपने जीवन में या उसका ऑपोजिट जब मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ना है कैसे छोड़ना है कितने आराम से छोड़ना है और फिर उसके आगे नेक्स्ट कैसा मुझे शरीर मिलेगा और क्या क्या मुझे मिलेगा ये बहुत कुछ ये बैंक डिसाइड कर देगा अब ये चीज़ को अगर हमने नहीं अवेयरनेस हुई तो हमने इस चीज़ का सारा ब्लेम किस पे डाल दिया ये भगवान डिसाइड करता है।, है क्योंकि हमने भगवान पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी तो हमने अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दिया हमने जो कर्म करना था अपना शॉर्ट टर्म गोल देखते हुए हम करते गए जब हमारे साथ जीवन में कुछ थोड़ा सा गलत हुआ हमने कहा भगवान की मर्जी और फिर जब कुछ गलत हुआ तो किसी ने हमें सिखाया दान करो पुण्य करो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम आज क्या कर रहे हैं दोनों कर रहे हैं हम गलत भी कर देते हैं थोड़ा सा लेकिन हम दान भी बहुत करते हैं हम पुण्य भी बहुत कर रहे हैं लेकिन छोटा मोटा गलती इज ओके करना ही पड़ता है कारोबार है करना ही पड़ता है लेकिन मैं हॉस्पिटल खोलूंगा मैं अनाथ आश्रम खोलूंगा तो हमें क्या लगा कि ये वाला कर्म hmm. ये वाले कर्म के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा बैंक का तो ये पैसे डाल दिए निकाल लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने सोचा दिस विल लेट सोचाई जर्नी मूव वेरी स्लो नहीं होगा क्या सी ये अच्छे कर्म भी हैं बुरे भी है ना अच्छे भी हैं बैलेंस शीट नहीं बनेगा minus. अच्छे भी है बुरे भी हैं सब हर कर्म का रिजल्ट आता है तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा दूसरा भी आएगा इट विल नॉट हैपन है आते समय वो आपस में एक दूसरे के साथ न्यूट्रलाइज कर दे और जो बहुत सारे अच्छे कर्म थे और कुछ एक छोटे से गलत थे उसको माइनस करके थोड़े से कम अच्छे मेरे तो पास हो सकता है। पहले रिजल्ट बुरे कर्म का आ जाए और अच्छे वाला अगले जन्म में इट्स नॉट दैट्स नॉट द पॉइंट इज जो अच्छे कर्म का आएगा वो तो कुछ भी सकता है अच्छे कर्म का अभी भी आ सकता है लेकिन hmm. इम्पोर्टेंट है दोनों आएगा न्यूट्रलाइज नहीं होगा न्यूट्रलाइज नहीं होगा अगर मैंने आपको मारा और फिर यहाँ किसी को गिफ्ट दिया तो दोनों तरफ दोनों तरफ से होगा ना मैंने दो एक्शन क्रिएट कर दिए या आपको ही मैंने पहले गिफ्ट दिया फिर मारा या पहले मारा फिर गिफ्ट दिया एक ही आत्मा के साथ भी तो हम दो कर्म क्रिएट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है हर कर्म जो हम क्रिएट करेंगे दैट इज क्रिएटिंग एन अकाउंट सो वेन वी कीप अटेंशन ऑन आरकर्मा वी नॉट से मैंने तो बहुत पुण्य किया मंदिर भी बनाए मैं मंदिर में बहुत दान करता हूँ मैं हॉस्पिटल भी खोलता हूँ मैं ये भी करता हूँ मैं हर रोज़ अनाथ आश्रम में खाना ये जो हम करने के बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश करें दिस विल नॉट हैपन अटेंशन कभी कभी के दान पुण्य से नहीं अटेंशन होगा हर कर्म से हर कर्म से सपोज़ मैंने किसी एक को बहुत बड़ा धोखा दिया और उस मेरे एक धोखे से उसको इतना दर्द हुआ वो बीमार हो गया सपोज उसको हार्ट अटैक हो गया मेरा एक धोखा और दूसरी जगह मैंने एक हार्ट स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल दिया जहाँ आज से लेके अनेक कितने सालों तक मेरे शरीर छोड़ने के बाद भी कितने सालों सालों तक वहाँ कितने लोगों का हार्ट का इलाज होने वाला है कितना बड़ा पुण्य है कितना बड़ा पुण्य है अब इसको इक्वेशन को अगर कोई देखे तो लगेगा नॉट बैड एक एक को तो, तो तकलीफ हुई ना बाकी तो लाखों 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 को फ़ायदा हुआ लेकिन रिटर्न दोनों का आएगा अब जब रिटर्न आएगा जो मैंने लाखों के साथ अच्छा किया तो मुझे बहुत कुछ अच्छा मिलेगा बहुत मेरे पास क्योंकि उनकी इतनी दुआएं, इतनी ब्लेसिंग्स बहुत अच्छा मिलेगा लेकिन एक जो किया वो भी रिटर्न आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो जीवन में आज अगर हम सब अपनी लाइफ को देखें तो हम देखेंगे मेजोरिटी चीज़ें अच्छे हैं मेजोरिटी सब चीज़ें अच्छी हैं लेकिन एक कई बार चलते चलते कोई बड़ी बात आ जाती है तो इसलिए कर्म करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि हम सारा दिन कर्म जो क्रिएट कर रहे हैं हर कर्म का मुझे फल मिलेगा पुण्य मेरे जीवन का एक अलग कैटेगरी नहीं है, नहीं है। हम कहते हैं रिलीजन अलग प्रैक्टिकल लाइफ अलग दान पुण्य अलग बिजनेस अलग ये जो हमने कंपार्टमेंट्स बना दिए वी कैन नॉट लिव आर लाइफ इन कंपार्टमेंट्स पुण्य मेरे बिजनेस में करना होगा मुझे नॉट बिजनेस में तो सब कुछ करना पड़ता है पुण्य मैं अलग कर लूँगा और मैं इतना पुण्य कर लूँगा कि इट विल सेव मी इट विल नॉट दिस इज़ समथिंग विच वी ऑलवेज हैव टू टेक केयर ऑफ जब हम कह रहे हैं कोई आत्मा ऐसे अनटाइमली शरीर छोड़ती है और पीछे जो आत्माएं रह जाती हैं उनको सफरिंग हो रही है यस yes, सफरिंग हो रही है उन्हीं को सफरिंग हो रही है लेकिन वो इसलिए सफरिंग है वो दर्द है क्योंकि वो उन आत्माओं का उस आत्मा के साथ वो कार्मिक अकाउंट था कि उसने आना था उतने साल रह कर वो अटैचमेंट बिल्ड करके चले जाना था और उनको दर्द देकर चले गए पेन इज़ मोर फॉर द सोल्स हु विल बी लेफ्ट बिहाइंड एंड फॉर दिस सोलग टू उनका नेक्स्ट क्या होता है लेकिन वो मेरा भी उनके साथ क्यों बना अब इम्पोर्टेंट है पहले वैसा वाला था अब हम अपने धीरे खत्म करें knowledge के साथ, अब जो आत्मा चली गई मेरा उसके साथ अब कार्मिक अकाउंट कैसा हो जाएज क्लोज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज एंड अ लव फुल प्योर कार्मिक अकाउंट अच्छी प्यार से याद ताकि अब हम उनको लेकर कोई भी नेगेटिव था नेगेटिव मतलब पेन वाली नॉट हेटरेड बट पेन वाली थॉट्स अब हम ना क्रिएट करें और अपने हर कर्म पर बहुत अटेंशन वेरी इंपॉर्टेंट थैंक यू सिस्टर हर कर्म पर अटेंशन रखना है थैंक यू वेरी मच ओम शांति थैंक यू हमारा फोन नंबर है डबल नाइन डबल नाइन सेवन डबल फोर ट्रिपल फाइव और हमारा ईमेल आईडी है पीस ऑफ माइंड टीवी